नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर चौहान और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, पेट केयर होम पर। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचाया जा सकता है, हम कैसे अपने डॉग को सेफ रख सकते हैं फंगल इन्फेक्शन से। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? फंगल इन्फेक्शन इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अक्सर डॉग पानी गिरा के बैठ जाते हैं और काफ़ी कुछ होता है, जैसे कि हम बाहर ले जा रहे हैं और गाजर घास में वो घुस जाते हैं, उससे भी होता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचाया कैसे जा सकता है? दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि हो गया है और नहीं हुआ है, दोनों बातें। और जैसे हो गया है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, मार्केट से आपको अच्छे अच्छे स्प्रे मिल जाएंगे जो आप स्प्रे उस पर कर सकते हो। नेचुरल हर्बल ऐसे काफ़ी स्प्रे आते हैं जो आप कर सकते हो अपने डॉग के ऊपर। बीटाडीन से उसे साफ भी कर सकते हैं जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों, अब सेकंड में हम आते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे डॉग को कुछ भी नहीं है और हो रहा है, मतलब चांसेस लग रहे हैं कि हाँ ये खुजा रहा है और बैठा हुआ है, चाट रहा है, तो अक्सर उससे भी होता है। दोस्तों, कैसे? क्योंकि जैसे कि हमारा डॉग बैठ गया, तो बैठे बैठे आप देख रहे हैं कि वो बैठा हुआ है, आपने बोला कि यार ये खुजा क्यों रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोले इसे फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन को रोकने का सबसे तरीका अच्छा, जैसे गर्मी है तो गर्मी में आप उसके बाल कटवा दीजिए, है ना। अब बरसात आ रही है तो बरसात में उसके बाल कटवा दीजिए, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होता है दोस्तों, क्योंकि बाल कट जाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और आपका डॉग भी सेफ रहता है। अगर वो गीला हो गया तो आप उसे पोंछ भी सकते हैं, मतलब टॉवल लेके उसे पूरा ड्राई कर सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, आप लोग दोनों बातें मेरी शायद समझ गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आपको वीडियो बनाया। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो इसे शेयर एंड लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।